प्रदेश के 14,000 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भेल दशहरा मैदान में हो रही है। प्रदेश में पहली बार इस तरह का प्रयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने टीचरों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब हमारे भांजे भांजियों के गुरु हैं, शिक्षक नौकर नहीं निर्माता हैं। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। आप जैसे बच्चों को गढ़ेंगे वैसे बच्चे अपना भविष्य गढ़ेंगे। इसके साथ ही सीएम ने शिक्षकों से कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। बच्चों को योग की शिक्षा देकर उन्हें निरोगी बनाने की पहल की जाएगी। बच्चों के पालकों से संवाद का एक सिस्टम भी तैयार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है, तीन उद्देश्य उसके हैं। नंबर एक, शिक्षा का काम है ज्ञान देना। नंबर दो, कौशल देना। नंबर तीन, नागरिकता के संस्कार, आदर हो, सम्मान हो, समाज में इज्जत और मान रहे, तभी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह और प्रभाव पूर्वक कर सकते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके मान और सम्मान को बनाए रखने में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।